हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीवेल लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फिफ्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? सेट ए गिवन है। सेट ए गिवन है। ए किसका सेट है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, set of human beings in a town at a particular time। तो students, हमें given है human being का एक set, किसी भी town के हमने human being ले लिए किसी भी particular time पे। तो अब हमें रिलेशन क्या गिवन है? रिलेशन गिवन है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो स्टूडेंट, हमारा रिलेशन क्या है? एक्स वाई, सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है? टाउन से कोई एक पर्सन हमें ले लेना है। मान लेट कर लेते हैं उसका नाम क्या है, एक्स है या ए है। लेट ए बी अ पर्सन। लेट ए क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है जो हमने सेट ए से ले लिया। तो ए एक पर्सन है ऑफ ह्यूमन, अ पर्सन इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब हमें चेक करना है क्या ए उसी प्लेस पे वर्क करता है जिस पे वो वर्क करता है। ए ऑफ कोर्स अ पर्सन इज वर्किंग एट सेम प्लेस टू इटसेल्फ, ठीक है। अ पर्सन इज वर्किंग एट सेम प्लेस टू इटसेल्फ। देयरफॉर ए जो है रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है। ए रिलेशन से बिलोंग करेगा एंड गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। अब सिमेट्रिक के लिए हम कितने पर्सन लेंगे टाउन से? 2 पर्सन। अब हमने ए और बी दो पर्सन ले लिए सेट ए में से। ए क्या है? सेट ऑफ पर्सन इन अ पर्टिकुलर टाउन। तो अब ए बी जो है बिलोंग करता है, लेट ए बी किससे बिलोंग करता है? सेट ए से। अब ए और बी क्या है? 2 पर्सन। अब हमें पता है कि ए बी जो है रिलेशन से बिलोंग करता है। इफ ए एंड बी, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। स्टूडेंट्स, हमें पता है ए एंड बी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो बी एंड ए भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। दिस इंप्लाइज जो बी ए है वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए बी रिलेशन से बिलोंग, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। दिस इंप्लाइज गिवन रिलेशन जो है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें कितने ह्यूमन बीइंग चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए चाहिए स्टूडेंट्स हमें 3 ह्यूमन बीइंग। ट्रांजिटिव, लेट ए बी सी 3 पर्सन जो है हमने एक पर्टिकुलर टाउन से ले लिए, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ए बी भी रिलेशन से बिलोंग करता है एंड बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है।
अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, इट मीन्स ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस. ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस. अब स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस तो बी से भी रिलेशन से बिलोंग करता है. दिस मीन्स बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस. अब अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, बी सी रिलेशन से बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज ए एंड सी ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस. दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन. अब स्टूडेंट, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, बी सी बिलोंग करता है रिलेशन से, एंड ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. स्टूडेंट्स, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम. अब इसमें सिर्फ हमारा क्या चेंज होता है इसके नेक्स्ट पार्ट में? इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारा चेंज हो जाता है रिलेशन. अब रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट के फिफ्थ क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट, इसमें क्या है? एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकैलिटी, live in the same locality. अब students, सबसे पहले हम study करेंगे reflexive. क्या ये relation reflexive है? अब again हमारा set क्या है? Set of human being in a particular town. अब हमें study उसमें से कितने लेने हैं? Reflexive prove करने के लिए हमें एक person लेना है. अब हमने ले लिया ए. ए कोई पर्सन है, किससे बिलोंग करता है? सेट ए से. और ए सेट क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ पर्टिकुलर टाउन. ए ए से बिलोंग करता है. अ पर्सन ऑलवेज लिव एट द सेम प्लेस टू इटसेल्फ, जहां वो रह रहा है खुद के साथ एक ही जगह पे रहेगा ना वो. तो अ पर्सन ऑलवेज लिव एट सेम प्लेस itself. Therefore, AA जो होगा रिलेशन से बिलोंग करेगा. AA है बिलोंग करेगा रिलेशन से. Therefore, AA belongs to relation. And given relation हमारा क्या हो जाएगा? Given relation is reflexive. Now student, symmetric. सिमेट्रिक के लिए हम दो पर्सन अज्यूम करेंगे. लेट ए बी दो पर्सन है जो लोकैलिटी ए से बिलोंग करते हैं. अब हमें पता है कि ए बी जो है रिलेशन से बिलोंग करता है. इट मींस ए एंड बी आर लिविंग इन अ सेम लोकैलिटी. अब ए और बी अगर एक ही लोकैलिटी में रहते हैं तो इसका मतलब बी एंड ए ऑल्सो लिव इन सेम लोकैलिटी. इसका मतलब अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा. इट मीन्स गिवन रिलेशन जो है हमारा रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें क्या प्रूव करना है? अब ट्रांजिटिव.
स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव करने के लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए? ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए. तो 3 एलिमेंट हम क्या लेके चलेंगे? लेट ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं? सेट ए से. तो हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव के केस में हमें पता है ए बी भी रिलेशन से बिलोंग करता है एंड बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है. अब स्टूडेंट्स अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है इट मींस ए एंड बी लिव इन द सेम लोकैलिटी. द सेम लोकैलिटी. अब स्टूडेंट्स अगर ए और बी सेम लोकैलिटी में है और बी सी अगर रिलेशन बी एंड बी सी रिलेशन से बिलोंग करता है बी एंड सी लिव इन द सेम लोकैलिटी. स्टूडेंट्स ए एंड बी एक सेम लोकैलिटी में काम करते रहते हैं. बी एंड सी आर ऑल्सो लिविंग इन द सेम लोकैलिटी. दिस इंप्लाइज कि जो ए और सी हैं ऑल्सो लिव इन सेम लोकैलिटी. तो स्टूडेंट जो हमारा ए सी है वो भी रिलेशन से बिलोंग करता है. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. एज रिलेशन is reflexive, symmetric and transitive. Therefore, it is an equivalence relation. पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का उसमें हमें क्या है? अगेन लोकैलिटी वही है हमारी. ए क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा क्या है? अब हमने रिलेशन गिवन है पार्ट हमारा है सी फिफ्थ का सी पार्ट. इसमें हमें रिलेशन क्या गिवन है? एक्स वाई such that x is exactly 7 centimeter taller than y. जो x है वो y से exactly 7 centimeter tall है. तो students क्या ये relation reflexive है? सबसे पहले अगर हम बात करें reflexive की तो क्या x is exactly 7 centimeter taller than y. अब इसमें हम रिफ्लेक्सिव के केस में हम एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं a से, सेट a से. अब एक a पर्सन है एक टाउन a से. तो अब जो a एक पर्सन को खुद के साथ कंपेयर करे a person can't be 7 centimeter taller than itself. ठीक है? A person can't be 7 centimeters taller than itself. तो इसका मतलब AA जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा. एक पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं. तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. देयरफॉर नाउ सिमेट्रिक. तो यहाँ पे हमारा therefore given relation is not reflexive. Now अब हम symmetric की बात करें तो symmetric के लिए हमें कितने element चाहिए students? 2 element. तो हमने क्या ले लिया? A और B दो human being हैं जो locality A से belong करते हैं.
अब हमें पता है सिमेट्रिक के केस में कि ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है. इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अब ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है और रिलेशन हमारा क्या है, x is exactly 7 centimeter taller than y. It means a is 7 centimeter taller than b. अब a अगर 7 centimeter taller है b से, it means b is 7 centimeter smaller than a. Smaller than a. ठीक है? इसका मतलब जो b a है, वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. तो इसका मतलब जो हमारा गिवन रिलेशन है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. तो अगर अब हम लेके चले ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के केस में हमें कितने एलिमेंट चाहिए स्टूडेंट? ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेंगे ए बी सी. ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए कहां से लेंगे? लोकैलिटी से. तो लेट ए बी सी आर द 3 एलिमेंट ट्रांजिटिव. लेट ए बी सी, ए बी सी क्या है, 3 पर्सन किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से. ए बी सी बिलोंग्स टू ए. अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ए बी भी रिलेशन से बिलोंग करता है और बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है. इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन. अब ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, इट मीन्स ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी. ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर then B. अब BC relation से belong करता है, B is 7 centimeter taller than C. तो students A B से 7 centimeter taller है, B C से 7 centimeter taller है, तो A is 14 centimeter taller than C. This implies A is 14 centimeter taller than C. लेकिन हमारा रिलेशन क्या है, 7 एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए. तो इसका मतलब जो हमारा AC है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. तो स्टूडेंट्स ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा सेट क्या गिवन है, सेट हमारा है ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम. नाउ स्टूडेंट्स अब फिर से हमारा रिलेशन सेट तो सेम है, लेकिन हमारा रिलेशन एक टाउन है, उसके उसमें रहने वाले लोगों के ऊपर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के. तो अगला जो हमारा बनता है x इज वाइफ ऑफ y. अब स्टूडेंट्स फिर से सेट एक है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, और हमारा रिलेशन क्या है x y, सच दैट x इज वाइफ ऑफ y. तो स्टूडेंट x इज वाइफ ऑफ y, सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. सबसे पहले हम सेट में से कोई एक ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं. हमने ले लिया a, किससे बिलोंग करता है, a से. a क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है. अब स्टूडेंट्स क्या एक पर्सन खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता. अ पर्सन कांट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ. अ पर्सन as a person can't be wife of itself. Therefore, जो AA है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. तो अगर रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव
नहीं है. Therefore, and relation is not reflexive. Now, symmetric. सिमेट्रिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो अब हमें कितने परसेंट लेने हैं? हमें लेने हैं 2% एक टर्म से ए बी. अब स्टूडेंट्स हमें पता है ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन. ए इज वाइफ ऑफ बी. अब ए बी की वाइफ है तो बी ए का क्या है? हस्बैंड है. इट मीन्स बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए. B, but B is not wife of A. क्यों? B तो A का husband है. Therefore, जो relation था is wife of. इसके लिए true नहीं है. तो B A जो है हमारा वो relation से belong नहीं करता. Therefore, given relation is not symmetric. Students, अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नाउ ट्रांजिटिव के लिए हमें अगेन कितने परसेंट चाहिए? 3%. किससे लेने हैं हमें वो? गिवन सेट ए से. लेट ए बी सी बिलोंग करता है सेट ए से. ए किसका सेट है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग. नाउ हमें पता है कि ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, और हमें पता होना चाहिए कि बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है. देखो ए भी रिलेशन से बिलोंग करता है. ए इज वाइफ ऑफ बी. ए बी की वाइफ है बट बी इज अ मेल. बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है. हमें जब ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है तो हमें यह बात पता है कि ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है और बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है. हम सिर्फ ए और सी को स्टडी करते हैं कि वो रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं करता. लेकिन हमें क्वेश्चन पता होता है, हमें आंसर को स्टडी करना है ए और सी को कि वो रिलेशन से बिलोंग करता है कि नहीं करता. यहाँ पे ए वाइफ है बी की बट बी इज ए मेल. बी सी जो है वो क्वेश्चन हमारा बट बी इज अ मेल. ही कांट बी वाइफ ऑफ एनीवन. ही कांट बी वाइफ ऑफ एनीवन. तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट बी सी. वी can't say anything about BC. हम BC के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रिलेशन क्या है? हमें पता होना चाहिए था कि B वाइफ है C की but B is a male. He can't be wife of anyone. तो हम BC के बारे में कुछ नहीं कह सकते. जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो हम कैसे स्टडी करेंगे कि AC रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं करता? तो इसीलिए इस केस में हम इसको ट्रांजिटिव लेके चलते हैं. तो देयरफॉर बी वी कांट से एनीथिंग अबाउट बी सी. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही जो ई पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या है? एक्स इज फादर ऑफ वाई. एक्स इज फादर ऑफ वाई. नाउ स्टूडेंट्स एक्स इज फादर ऑफ वाई.
स्टूडेंट्स अब अगर हम इसे स्टडी करें, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है. तो रिफ्लेक्सिव के केस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लेट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं ए. ए किससे ले लिया हमने, टाउन से ले लिया. क्या एक पर्सन खुद का फादर हो सकता है? अ पर्सन कांट बी फादर ऑफ इटसेल्फ. इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. दूसरा हम स्टडी करें सिमेट्रिक. अब हमें सिमेट्रिक के केस में दो एलिमेंट लेने होते हैं, ए बी किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से. अब ए इज फादर ऑफ बी, अब ए बी का फादर है, ठीक है. तो बी इज नॉट फादर ऑफ ए, क्यों, बी इज सन ऑफ ए. तो इसका मतलब अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. अब स्टूडेंट्स अगर बी ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है. थर्ड हम बात करें कि ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है. चलो अब हम ट्रांजिटिव को स्टडी करके देख लेते हैं. नाउ इस केस में सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हमने स्टडी कर लिया, डिस्कस कर लिया, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है. स्टूडेंट्स अब इसके लिए हमें तीन पर्सन लेने हैं जो किसी सेट ए में से ले लिए हमने. लेट अब हमें पता है ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है एंड बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है. ए इज फादर ऑफ बी, बी सी रिलेशन से बिलोंग करता है. स्टूडेंट्स इट मीन्स बी इज फादर ऑफ सी, बी इज फादर ऑफ सी. ए बी के फादर है, बी सी के फादर है, तो मतलब ए सी का क्या है, ए सी के ग्रैंडफादर हैं. तो ए इज ग्रैंडफादर ऑफ सी. तो इसका मतलब जो हमारा ए सी है क्या वो रिलेशन से बिलोंग करता है, ए सी रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव होगा. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. तो क्वेश्चन नंबर टू में हमें स्टूडेंट्स क्या गिवन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर टू में हमें गिवन है रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर. हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स. यहां ये कैपिटल, ये ठीक आर जो है ये बोल्ड लेटर में आर जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, और ये आर शो करता है रिलेशन को. तो स्टूडेंट हमें रिलेशन क्या गिवन है, हमें रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है. हमें प्रूव करना है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, नॉर ट्रांजिटिव. तो स्टूडेंट अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. हमें किसको स्टडी करना है, रियल नंबर को. स्टूडेंट्स तो रियल नंबर को स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. स्टूडेंट वन टू हमने किससे ले लिया, वन टू किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से. हमने एक एलिमेंट ले लिया रियल नंबर का वन टू, वन बाय टू, ठीक है. अब वन बाय टू जो है, वन बाय टू लेस देन और इक्वल टू वन बाय टू का होल स्क्वायर. क्या 1 by 2 अपने स्क्वायर से लेस है, 1 by 2 is not less than 1 by 2 whole square, 1 by 2 is not less than or equal to 1 by 4, 1 by 2 मतलब 0.5 और 1 by 4 मतलब 0.25. इसका मतलब 1 by 4, 1 by 4, 1 by 2 अपने स्क्वायर से यानी 1 by 4 से लेस नहीं है. This implies 1 by 2, 1 by 2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. Therefore, given relation is not symmetric.
not reflexive. Not reflexive. Now student, अब हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम कितने एलिमेंट लेते हैं? हम दो एलिमेंट लेते हैं. तो हमने वो दो एलिमेंट क्या ले लिए? वन टू. लेट वन और टू किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से. किससे ले रहे हैं हम ये एलिमेंट? रियल नंबर से. वन टू बिलोंग करता है रियल नंबर से. तो अब इफ वन टू बिलोंग करता है रिलेशन से, सिमेट्रिक के केस में हमें पता है ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, हमें चेक करना है क्या उसका उल्टा ट्रू है. तो वन टू बिलोंग करता है रिलेशन से. दिस इंप्लाइज वन इज लेस देन और इक्वल टू टू स्क्वायर. इसका मतलब वन फोर से लेस है. ठीक है, वन इज लेस देन और इक्वल टू फोर. बिल्कुल ठीक है, वन फोर से लेस है. दोनों बातें कभी ट्रू नहीं हो सकती. वन फोर से लेस होगा या वन फोर के इक्वल होगा, एक ही बात सच हो सकती है. ठीक है, सो वन इज लेस देन और इक्वल टू फोर. बट फोर इज नॉट लेस देन और इक्वल टू वन स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, फोर जो है वन के स्क्वायर या वन से लेस नहीं है. ठीक है, इसका मतलब जो फोर वन है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. वन टू तो रिलेशन से बिलोंग करता था. सॉरी, फोर इज टू स्क्वायर, टू इज नॉट लेस देन वन स्क्वायर. हमें वन टू टू वन को स्टडी करना है स्टूडेंट. तो यहाँ हमारा है टू वन जो है, वन टू तो रिलेशन से बिलोंग करता है बट टू इज नॉट लेस देन वन स्क्वायर. 2 is not less than 1 square. It means 2 1 जो है वो does not belong to relation. इसका मतलब given relation जो हमारा है is not symmetric. Now students, ये relation हमारा symmetric नहीं है. ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव होगा. तो स्टूडेंट्स नाउ अब हम ये ट्रांजिटिव को स्टडी करते हैं. हमें प्रूव करना है ना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. तो उसके लिए हम क्या एग्जांपल लेंगे? तो हम स्टूडेंट्स से लेट अस सपोज करते हैं थ्री नंबर थ्री टू लेट ट्रांजिटिव लेट थ्री टू वन बाय टू. हमने तीन नंबर ले लिए. किससे बिलोंग करते हैं ये? रियल नंबर आर से. तो अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि थ्री टू रिलेशन से बिलोंग करता है एंड टू एंड हाफ भी रिलेशन से बिलोंग करता है. स्टूडेंट्स थ्री टू रिलेशन से बिलोंग करता है. रिलेशन हमारा क्या था? ए इज लेस देन बी स्क्वायर. तो यहाँ 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर. यस, 3 जो है 4 से लेस है. 2 एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 4. जो 2 है स्टूडेंट्स 3 2 एंड 1.5. सॉरी, ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 2 and 3 by 2. ये हम लेके चलेंगे 3 by 2. 2 और ये हमारा है 3 by 2. 2 less than or equal to 3 by 2 whole square. It means 2 जो है 3 by 2 यानी 1.5 का whole square हमारा क्या हो जाएगा? 2.25. 2 जो है 2.25 से less है. बिल्कुल है. ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा था हमारा. ए बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था. बी सी भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ अब हम ए सी को स्टडी करते हैं. बट 3 इज नॉट लेस देन 3 by 2 होल स्क्वायर. इसका मतलब जो 3 है वो 2.25 से लेस नहीं है. इट मीन्स दिस इंप्लाइज 3 और जो 3 by 2 है हमारा वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता.
Therefore, given relation is not transitive. So students, ये relation ना तो reflexive है, ना ही symmetric है और ना ही transitive है. Now, let us move to next question. Next question क्या है student? तो question number 3 की तरफ बढ़ते हैं. Students, question number 3 हमारा क्या है? Whether relation R क्या है? Relation R defined on set A. अब हमें यहाँ set A क्या given है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और relation हमें students क्या given है? Relation हमारा है AB such that B इसके equal है, A plus 1 के equal है. Is reflexive, symmetric or transitive? ये हमें check करना है. तो student, सबसे पहले हम ये relation study करते हैं. B इसके equal है, A plus 1 के, यानी अगर हम A ले ले, 1 ले ले, तो B हमारा क्या हो जाएगा? 1 plus 1, 2. तो 1, 2 हमारा relation को satisfy करता है. B जो है, A से 1 greater है. So 1, 2, 2, 3, B again A से greater है, 1, 3, 4, 4, 5, 5, अगर हम B, A को 5 ले ले, तो B हमारा क्या हो जाएगा? 6. तो students, ये हमारे set A में से हमने element ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5. A को हम 1 put करेंगे, B की value हमारे पास क्या आ जाएगी? 2. A को हम 2 put करेंगे, तो B की value क्या आएगी हमारे पास? 3. अगर हम A को 3 put करेंगे, तो B की value 4. अब अगर हम A को 6 put करेंगे, तो B की value 7 आ जाएगी. 6, 7. 7 क्या set A से belong करता है? नहीं करता. इसके जो दोनों element हैं, वो set A के अंदर lie करने चाहिए. ठीक है? तो अब यहाँ पे R हमारा ये है. तो अब हम इसको check करेंगे कि क्या ये relation reflexive है? Students, क्या इसके अंदर 1-1 set A के अंदर हमारे पास कौन से element थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reflexive की definition क्या थी? कि AA जो है, for all A belongs to A, यानि set A के अंदर जितने भी element हैं, उन सब के लिए AA relation से belong करना चाहिए. अब set A के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाई करते हैं. क्या इसके अंदर 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4, 5-5, 6-6, कुछ भी नहीं है इस relation के अंदर. इसका मतलब ये relation reflexive नहीं है. For no value of A, for no value of A belongs to A, AA belongs to relation. किसी भी value के लिए AA relation से belong नहीं करता. AA does not belong to relation. Therefore, given relation is not reflexive. अब हम चलते हैं student symmetric. अब symmetric के केस में हमें relation को study करना होता है. क्या relation में से हम कोई एक element ले लेते हैं? 1, 2. अब हमने relation में से क्या ले लिया? S. 1, 2 belongs to relation. 1, 2 relation से belong करता है. But इसका उल्टा क्या 2, 1 relation के अंदर lie कर रहा है? नहीं lie करता. But 2, 1 does not belong to relation. Therefore, given relation is not symmetric. इसीलिए ये हमारा relation symmetric नहीं है. Third student बात करें transitive की. Students, क्या इसके अंदर कोई ऐसा pair है जिसमें 1-2 relation से belong करता है, 2-3 relation से belong करता है? Student, transitive के लिए हमारी condition क्या होती है?
ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है और बी सी ए रिलेशन से बिलोंग करता है. बी सेम होना चाहिए जो भी दो हम ऑर्डर कर लेंगे. तो यहाँ पे एज 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन 1 2 2 3 दोनों ही रिलेशन से बिलोंग करते हैं. 1 2 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन. बट स्टूडेंट क्या ये 1 3 ए सी 1 3 रिलेशन से बिलोंग करता है? बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. तो स्टूडेंट ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है. नाउ अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है कि हमें रिलेशन आर इन आर रियल नंबर के ऊपर ही डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स. इस पे भी हम रिलेशन आर इन आर रियल नंबर. आर क्या है यहां? रियल नंबर. डिफाइंड बाय स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है? आर किसके इक्वल है? ए बी के. सच दैट ए जो है लेस देन है इक्वल है किसके? बी क्यूब के. ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है ये हमें चेक करना है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं? रिफ्लेक्सिव. अब हम जो जितने भी एलिमेंट लेंगे वो हमें किससे लेने हैं? रियल नंबर से लेने हैं स्टूडेंट. तो हम ले लेते हैं 1/2. अगेन 1/2 किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से. तो हमने रियल नंबर से एक एलिमेंट ले लिया 1/2. बट अब रिलेशन क्या है? एज 1/2 इज लेस देन और 1/2 होल क्यूब. 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 होल क्यूब. ठीक है 1/2 जो है अपने क्यूब से यानी 1/8 से लेस नहीं है. 1/2 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0.5 और 1/8 0.2 समथिंग. ठीक है 0.1 समथिंग. तो इसका मतलब 1/2 जो है 1/2 के क्यूब से लेस से 1/2 लेस नहीं है अपने क्यूब से. इसका मतलब दिस इंप्लाइज 1/2 जो 1/2 था वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. रिलेशन क्या था? कि ए अपने क्यूब से ए बी के क्यूब से लेस है. तो यहाँ दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो 1/2 को 1/2 के क्यूब से लेस होना चाहिए था बट ऐसा नहीं है. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नाउ स्टूडेंट्स अब हम लेके चलते हैं सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट हम क्या लेके चलते हैं? 1/ हम ले लेते हैं 1 और 2 किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से. हमने दो एलिमेंट ले लिए रियल नंबर से 1 एंड 2. एज 1/2 सिमेट्रिक के केस में हमें पता है 1/2 रिलेशन से बिलोंग करता है. इसका मतलब 1 जो है लेस देन है 2 के क्यूब से. यस 1 लेस देन और इक्वल टू लेस देन है 8 से. राइट 1 इज लेस देन 8. ठीक है हमें पता है 1/2 रिलेशन से बिलोंग करता है. हमें इसका उल्टा चेक करना है. बट 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब. 2 क्या 1 के क्यूब से यानी 1 से लेस है? 2 1 क्यूब से लेस नहीं है. दिस इंप्लाइज जो 2 1 है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड है स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव. अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव. स्टूडेंट्स
ट्रांजिटिव के लिए हमें कितने नंबर लेने हैं? हमें लेने हैं 3 नंबर. सो लेट 3 by 2, 5 by 6 by 5 ये सारे नंबर हमने रियल नंबर से ले लिए. किससे बिलोंग कर दिए हमने? रियल नंबर से. नाउ लेट हमें पता है कि 3 3 by 2 रिलेशन से बिलोंग करता है एंड 3 by 2 जो है वो भी 3 by 2 6 by 5 ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है. 3 ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब 3 जो है लेस है 3 by 2 के क्यूब से. अब 3 by 2 का क्यूब क्या है? 3 by 27 by 8. 27 by 8 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3 इज लेस देन 3.3 समथिंग स्टूडेंट. लेस देन और इक्वल टू 3.3. इसका मतलब ये हो, ये कंडीशन ट्रू है. अब यहां हमें पता है कि ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, बीसी भी रिलेशन से बिलोंग करता है. 3 by 2 जो है वो 6 by 5 के होल क्यूब से लेस है. 3 by 2 और 6 by 5 इसका होल क्यूब क्या होगा? 216 by 125. तो ये हमारा क्या है? ये इससे लेस है. ठीक है, ये 3 by 2 1.5 है और ये 1.5 से ग्रेटर आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है. बट 3 इज नॉट लेस देन 216. 3 by 3 इज नॉट लेस देन 3 by 2 होल क्यूब. 6 by 5 होल क्यूब. अब हम लेके चले 3 इज नॉट लेस देन 216 by 125. 216 by 125 हमारा हो जाएगा 1 point something. स्टूडेंट ये कितना आएगा? 216 1 point something आएगा, 1.7 something. ठीक है, तो इसका मतलब 3 जो है 1.7 से लेस नहीं है. इसका मतलब 3 into 6.5 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता. Therefore, given relation is not transitive. तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है. तो स्टूडेंट्स यहां तक आज के लिए इतना ही लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे फर्दर क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स टिल देन हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.